सोलहवें एशियाई खेलों के छठे दिन भारतीय पुरुषों की बैडमिंटन एकल स्पर्धा में भारत की चुनौती खत्म हो गई। अरविंद भट्ट की प्री क्वार्टर फाइनल में हार के साथ इस वर्ग में भारत को निराशा हाथ लगी। भट्ट को थाईलैंड के बूनसैक पोनसाना ने 21-19, 21-12 से हरा दिया। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों की एकल स्पर्धा में कांस्य जीतने वाले पुरुपल्ली कश्यप बुधवार को ही एकल मुकाबलों से बाहर हो गए थे। तो आपको बता दें कि हांगकांग और बांग्लादेश को रौंदने के बाद भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी जोश में हैं और जीत की हैट्रिक पूरी करने के लिए तैयार भी हैं। हांगकांग को धोया, जोश रोका विकेट के क्षणों में, जैसा कि फिर बांग्लादेश को रौंदा। एंड द पार्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग द राइट फ्लाइट एंड द राइट एंगल एट द करेक्ट हाइट। अब बारी पाकिस्तान की। एशियन गेम्स में अब तक भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है। पहले हांगकांग को 7-0 से मात दी और फिर बांग्लादेश को 9-0 से धोने के बाद अब भारतीय टीम को ग्रुप बी के तीसरे मुकाबले में 20 नवंबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ना है। अगर भारत को पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए मुकाबले की बात करें तो हॉकी विश्व कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों ही मौके पर पाकिस्तानी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। जहां एक ओर पाकिस्तानी टीम अपनी पिछली दोनों हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी ओर एशियन गेम्स में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का हौसला काफी बढ़ा हुआ है और वो भी हर हाल में इस मुकाबले को जीतकर पाकिस्तानी टीम पर जीत की हैट्रिक पूरी करनी चाहेगी। भारतीय टीम के कप्तान राजपाल सिंह बांग्लादेश पर मिली जीत से काफी खुश हैं और उन्होंने आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराने की बात कही। हमने ऐसे प्रैक्टिस मैच इनको लिया और काफी अच्छी रिदम में आ गई है टीम और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से अगले दोनों मैचेस खेले। खैर, दावे चाहे जितने हो लेकिन कौन किस पर भारी है ये तो पता चलेगा इस महामुकाबले के बाद। हालांकि एक बात तो तय है कि 20 नवंबर को होने वाला ये महामुकाबला एशियन गेम्स के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक होगा। वैभव भोला के साथ स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज़।